शेर का है। कारकर्दगी जो थी पहले आपको पता है जो की है नवाज शरीफ ने, अच्छे काम किए हैं, इसलिए उसको दोबारा भी लाना चाहते हैं ताकि ये 18 में जो इलेक्शन नहीं हुआ था वो सिलेक्शन हुई थी। अब इंशाल्लाह दोबारा अभी इलेक्शन हो रहा है, इंशाल्लाह हो रही है, अब भी सिलेक्शन एस्टैब्लिशमेंट लेके आ रही है। पहले इन्हें 13 में लेके आई थी, अब ये 22 में लेके आ रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट। इन्होंने चोरी की है, इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट लेके आ रही है इनको। कोई सिर्फ दांधली होगी, अब सिर्फ दांधली होगी और कुछ नहीं होगा। सिर्फ इमरान खान को अंदर ढका हुआ है, उसको बाहर निकालें फिर लेके आ रहे हैं। इलेक्शन करा के देखो, किसी को यहाँ पर इजाजत नहीं है कि कोई रैली निकाल सके पीटीआई का। ये अभी तक कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं जी, बाहर निकालने जरा। पहले नवाशी को ढका था, नवाशी को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया, बल्कि इनसे पीटीआई को इतना नहीं तंग किया जा रहा जितना नून लीग को 18 में तंग किया गया था। कम तंग किया जा रहा था, कम है जितना बाहर क्या था लंदन। मैं एक मसूमाना सवाल आपसे करता हूँ गाड़ी साहब, बहावर नगर में आपने बताना 2018 में नून लीग के कितने जो MLA और MP गिरफ्तार हुए थे, बस में आपने कार्टून बताने में कैसे 2018 में आपने कहा जी यहाँ पर जो है खान साहब को जितवाया गया था, तो मुझे ये बताएं कि उस वक्त कितने MLA और कितने MPA जो हैं गिरफ्तार हुए थे भावनगर से? भावनगर से कई कारकुन गिरफ्तार हुए थे। और अब बताएं कौन सा पाकिस्तान तरीके साफ का बंदा है जो इस वक्त खुलम खुला अपनी कंपेन कर रहा है? कोई एक बंदा मुझे कर रहे कंपेन देख रहे, कोई एक नाम लेते हैं भावनगर से। भावनगर से नहीं, भावनगर का यूथ है ही नहीं, पहले ही भावनगर में ये चंद लोग हैं, चंद लोग नहीं है। जो यहाँ से बहावल अगर के लोग हैं वो जानते हैं यहाँ पर क्या सोचते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वोट किसको दे रहे हैं? पीटीआई का जी। वोट पीटीआई को जी। वोट भाई जान इंशाल्लाह शेर को जी। इंशाल्लाह शेर को जी। भाई जान आपका वोट पीटीआई मुस्कुरा रहे हैं जरा चादर की ओर में। नहीं, पीटीआई वोट पीटीआई का जी।